वेल हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं यहां पे आपको जो है गाइस फुल डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपकी सिम गाइस जियो की है, आइडिया की है, वोडाफोन की है या फिर एयरटेल की है। गाइस काफी यूजर्स के मन में क्वेश्चन होता है क्योंकि वो अपनी जो सिम है उसको पोर्ट करवाना चाहते हैं और अभी आपको पता करना है कि उसके जो है गाइस 90 दिन कम्प्लीट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। वेल मेरे को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है गाइस कि 90 दिन से पहले हम सिम को पोर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि बेसिकली ये एक नॉर्मल डिटेल्स है जो लगभग सभी यूजर्स को पता होती है गाइस। अभी आपको करना क्या है, कैसे आप पता कर सकते हो, सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। वेल आपकी सिम गाइस चाहे कोई सी भी हो, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसकी मदद से आप इजीली जो है अपने नंबर को चेक कर पाओगे कि उसको अभी कितने दिन हुए हैं गाइस। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेल गाइस हर एक यूजर्स के लिए अलग अलग नंबर नहीं होते हैं और हर एक यूजर्स के लिए मतलब चेक करने का तरीका सेम है, और आपका कोई सा भी ऑपरेटर हो गाइस, चाहे आपकी सिम जियो की हो, एयरटेल की हो, आइडिया की हो या फिर वोडाफोन की हो, कोई सी भी आपकी सिम होगी सेम ट्रिक इसमें होगी। करना क्या है आपको कि यहाँ पे जो है गाइस आपको स्क्रीन पे एक नंबर देखने को मिलेंगे 1900, तो इस पे आपको जो है गाइस एक टेक्स्ट भेजना है। अभी टेक्स्ट में क्या करना है आपको, तो गाइस आपको जो है यहाँ पे PORT ऐसा कैपिटल लेटर में लिखना है, स्पेस देना है और अपने नंबर आपको प्रोवाइड करने हैं। ये आप जैसे ही लिखकर सेंड करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, लगभग 1 या 2 मिनट आप वेट कीजिए। उसके बाद में आपको एक नया मैसेज देखने को मिलेगा जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा गाइस। वेल पूरी वीडियो ऐसी ही होने वाली है, हम आपको पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, तो बस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए गाइस, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस तरह से आप टेक्स्ट जैसे ही भेजोगे एक मैसेज आपको आएगा। अभी जो मैसेज आएगा गाइस उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है 90 डेज कंप्लीट हुए हैं आपके या फिर नहीं हुए हैं। उसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं बताया जाएगा कि आपके 32 डेज कंप्लीट हो चुके हैं या आपको 4-5 दिनों की और नीड है, ऐसा नहीं बताया जाएगा गाइस। अगर आपके 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको अपने जो UPC नंबर है वो मिल जाएंगे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस तरह से आपको टेक्स्ट आएगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपकी सिम अभी पोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, तो उसमें बताया जाएगा कि आपकी सिम के अभी 90 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप पोर्ट नहीं करवा सकते। ये एक फर्स्ट तरीका है गाइस, आप इस तरह से कर सकते हो और ये लगभग हर ऑपरेटर में काम करेगा, चाहे आपकी सिम कोई सी भी हो। ये मैं जियो की ही बात नहीं कर रहा, आपका अदर कुछ मतलब अदर कुछ सिम है आपकी तो उसमें भी ये वर्क करेगा। अभी देखिए दूसरे तरीके की तरफ हम चलते हैं। तो गाइस आपको जो है, अगर आपकी जियो की सिम है तो माई जियो एप्लीकेशन, एयरटेल की सिम है तो गाइस आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन, और आपके आइडिया की सिम है तो गाइस जो है यहाँ पे आपको VI एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसमें आपको अपना जो फर्स्ट रिचार्ज है वो देखना है, उस रिचार्ज से आप डेट को मेंशन कीजिए, मतलब डेट को मिलाइए गाइस। अभी उस डेट में आप चेक कीजिए, मान लीजिए आपको आपने रिचार्ज किया गाइस 1 अक्टूबर, तो आप उसमें चेक कीजिए कि अक्टूबर से आप 3 मंथ काउंट कर लीजिए और अगर उतने डेज कंप्लीट हो चुके हैं तो आपकी सिम पोर्ट हो सकती है। वेल ये तरीका सबसे अच्छा होगा कि आप डायरेक्टली पोर्ट का मैसेज भेजिए गाइस, तो उससे क्या होगा कि अगर सिम पोर्ट होगी तो आपको UPC नंबर मिल जाएंगे, नहीं होगी तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपकी UPC नंबर जनरेट नहीं होंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं गाइस, मतलब ट्रिक्स नहीं है, कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। वेल 100% वर्क करेंगे, आप ट्राई कीजिए गाइस। और एक और तरीका आप देखिए कि अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप जो है गाइस कस्टमर केयर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम जो है अभी सिम पोर्ट करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते, हमारे जो 90 डेज है वो कंप्लीट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। ये सभी यूजर्स या सभी ऑपरेटर में काम करेगा गाइस, चाहे आपकी सिम जियो की हो, वोडाफोन, आइडिया, जो भी हो गाइस वर्क करेगा ये, तो आप एक बार ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। वेल इतनी प्रोसेस करने के बाद में या ये ट्रिक्स अपनाने के बाद में आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका अभी सिम पोर्ट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, 90 डेज आपके कंप्लीट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, पूरी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी गाइस। वेल तो पूरी डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन गाइस अगर आप अपना रिचार्ज देखोगे, फर्स्ट रिचार्ज से आप डेट जो है गाइस यहाँ पे मिलान करोगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको कितने दिन बाकी है, इससे आपको कंफर्म पता चल जाएगा। रोजाना तो आप मैसेज नहीं भेज सकते, तो आप अपना फर्स्ट रिचार्ज देखिए गाइस कि आपने फर्स्ट रिचार्ज किस डेट को किया है, उस डेट से आप देखिए। और अगर आपने सिम पहले से पोर्ट करवा रखी है तो आप पोर्ट का मैसेज देखिए कि आपने सिम कब पोर्ट करवाई थी,
तो उस डेट से आप डेट को मेंशन कीजिए और डेट को मिलाइए, और अगर आपकी डेट के 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं पोर्ट का मैसेज भेजिए, यूपीसी नंबर जनरेट हो जाएंगे। आप चाहे किसी भी ऑपरेटर में अपनी सिम को पोर्ट करवाना चाहते हैं इजीली करवा सकते हो गाइस। वेल यही तरीके हैं जिनकी मदद से आप जो है अपनी सिम के 90 डेज को चेक कर पाओगे। वेल गाइस पूरी डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन की है और उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको इसमें अभी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो वेल गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में।